देखिए पार्ट थ्री ऑफ क्वेश्चन टू एक्सरसाइज 3.6। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही चलती है 300 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, वो कुछ बस से तय करती है और कुछ ट्रेन से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर 4 घंटे लगेंगे ट्रेन से 60 किलोमीटर चलती है तो, यानी 60 किलोमीटर चलती है तो उसको 4 घंटे लगेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है, ट्रेन स्पीड x किलोमीटर आवर है, 1 आवर में x किलोमीटर चलती है और 60 किलोमीटर में उसको कितना 4 घंटे लगता है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 6 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो इतनी दूरी तो उसने तय कर ली, 60 किलोमीटर कर ली एक्स की स्पीड से, और जो बची हुई दूरी है वो कितनी होगी, 300 में से 60 किलोमीटर कर लिया, 240 बच गई। ये 240 किलोमीटर वो कैसे करेगी, वाई से, यानी वाई क्या है, बस की स्पीड वाई किलोमीटर। बस की स्पीड हमने मान ली वाई किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर वाई किलोमीटर के हिसाब से दूर करेगी, बस से करेगी, और 60 किलोमीटर ट्रेन से करेगी। तो ये हमारा एक समीकरण बढ़ेगा, इसमें इसको 4 घंटे लगते हैं, 60 बटा x + 240 बटा y = 4। ये हमारा एक समीकरण बन गया। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन यानी 100/x एंड द रिमेनिंग बाय बस। रिमेनिंग कितना बचा, 300 में से 100 निकाल दिया, 200 ये बस से करेगी, यानी वाई की स्पीड रहेगी, तो इसमें कितना लगेगा, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। इसको क्या मिलेगा, 4 घंटे जो लग रहे थे उसके ऊपर 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 10 मिनट का कितना घंटा हुआ, 10/60। ये 10 मिनट्स जो है इसको हमने आवर्स में बदल दिया, 4 आवर्स तो हमारे पास है, 4 आवर्स + 10/60 आवर्स। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/x + 200/y = इसको हल कर लो, इसका जो है अगर आप पहले 0 को काट दो सरल हो जाएगा, और अब इसको 6 जो है इसका एलसीएम ले लेगा, तो 6 चौक 24 हो गया ही, एलसीएम 6, तो 6 में 1 का भाग दिया 6 बार गया, तो 6 और 4 को गुण गया 24, 24 में 1 जोड़ा 25, ओके 25/6, इसको आपने सरल करके ये लिख दिया। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ गए, एक तो ये और एक ये। अब दोनों समीकरणों में से हमको x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक समीकरण को घटाना या बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए एक वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, या तो 60 और 100 है इसको इक्वल कर दो, या इसको और इसको इक्वल कर दो। तो हम क्या करते हैं कि ये 60 है तो इस समीकरण को हम गुणा कर देंगे 100 से, और इस समीकरण को हम गुणा कर देंगे 60 से। ये जो समीकरण 2 नंबर है इसको तो हम कर देंगे 60 से गुणा, और इसको कर देंगे 100 से गुणा, तो बराबर हो जाएगा। 100 से गुणा किया तो 100 × 60 6000 हो गया, 6000 हो गया बटा एक्स, प्लस 100 से गुणा किया तो 24000 हो गया बटा वाई बराबर 100 से गुणा किया 4 को तो 400 हो गया, और इसको 60 से गुणा करेंगे तो 600 को 60 से गुणा किया तो 6000x/x प्लस 12000 हो गया, 12000/y = अब 25/6 को 60 से गुणा करेंगे तो ये 6 और 60 कट जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 25 को 10 से गुणा किया तो 250 हो जाएंगे। ये हो गया समीकरण आपका 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब आपको विलोपित करना है, यानी 6000x में से 6000 इसको घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस या माइनस और या माइनस, जब माइनस हो जाएगा तो ये तो गए, कट गए। अब ये प्लस का 24 और माइनस के 12 तो कितने हुए,
24 में से 12 घटाए तो 12,000 बराबर 400 में से 250 घटा दिए तो 150 हो गया। तो y इसको आप सिंपल कीजिए, y और 150 को गुणा कर दीजिए तो 150y हो जाएगा। 150y बराबर 12,000, तो y बराबर 12,000 में 150 का भाग दे दो, ओके, तो ये आ जाएगा 80। काटा पेटी कर दो इसको, 80 किलोमीटर आवर क्या है y, y बराबर 80 किलोमीटर आवर, यानी कि जो बस की स्पीड है वो 80 किलोमीटर आवर है। पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस, तो बस की तो हमने निकाल ली 80 किलोमीटर, अब आपके ट्रेन की निकालते हैं। अब ये y की वैल्यू हमें ज्ञात की, अब इसकी वैल्यू को आप इस समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर एक, ये एक नंबर है, ओके, ये दो नंबर है, ये समीकरण एक में y की वैल्यू रख दो, तो ये क्या 60x, तो 60x रहेगा, 60 बटा x प्लस 240 और y की वैल्यू, y की जगह लिख दो आप 80 बराबर 4। अब इसको आप 60x को तो रहने दो इधर, और ये 4 में से इसको माइनस कर दो 240 बटा 80, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसको एक तरफ ले आए आप, प्लस का है ये माइनस का आ गया। इसको काट भी सकते हो आप, 240 को 80 से काटा 3 हो गया, 4 माइनस 3 यानी 1, तो 60x बराबर 1, 60 बटा x बराबर 1, तो x बराबर 60, x की वैल्यू 60, तो ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर यानी 60, तो उत्तर क्या हुआ, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर आवर, या हम कहेंगे रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।